कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर शुक्ला ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनीरा से खास चर्चा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शरारती तत्व माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर शुक्ला खुली जीप में सवार होकर मतदान का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक नंबर विधानसभा में गहमा गहमी का माहौल भी नजर आया। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित कृपा शंकर शुक्ला सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उन्होंने भी मैदान संभाल लिया। विधानसभा एक में खुली जीप में होकर सवार पंडित जी निकले हैं, किस तरह से चुनावी माहौल आपको दिखाई दे रहा है पंडित जी? माहौल जनता में बहुत उत्साह है, मतदान डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई हमारे मुस्लिम मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को भी हमने कहा है कि हमारे क्षेत्र में जो यहाँ का पार्षद है मनोज मिश्रा, वो उसके तमाम गुंडे बदमाशी कर रहे हैं। शक्तिलाल संजय भाई को भी खबर गई, वो भी आए हैं, हम भी देख रहे हैं। लोगों में उत्साह बहुत है, पर कुछ शरारती लोग हैं जो वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। हम बराबर मतदाताओं से और हमारे साथियों से कहते हैं कि आप लोग सब लोग बढ़ के आराम से काम करें, डट के काम करें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है शक्ति का आलम है और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो खुली जीप में होकर सवार फिलहाल निकले हैं। मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।